अशोकनगर में भारतीय किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया, जिसके चलते धरने पर बैठे एक किसान की ठंड की वजह से तबीयत खराब हो गई। किसान रतिराम लोधी का कहना है कि 8 महीने पहले चना की फसल बेची थी, जिसकी उसे आधी कीमत का भुगतान किया गया था। खरीदी केंद्र एवं सोसाइटी से उन्होंने पैसे की मांग की, परंतु उन्होंने अगली बार आने का कहकर टरका दिया। यह सिलसिला महीनों से चल रहा था, जिसके बाद किसान मजबूर होकर धरने पर बैठ गए। बीमार किसान का कहना है कि मुझे मेरी फसल के पैसे नहीं मिल जाते तब तक मैं इलाज नहीं करवाऊंगा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो किसान संघ उग्र आंदोलन भी करेगा।